हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं बंद के बारे में, यानी पाव के बारे में। तो ये जो बिस्किट है, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फेमस पहले था और ये आज भी कहीं ना कहीं फेमस है, क्योंकि वो चाहे बर्गर हो या सैंडविच हो, उसमें जो इसका इस्तेमाल है वो कहीं ना कहीं किया जाता है। लेकिन ये उस समय जब ये काफी ज्यादा फेमस था, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। बेसिकली हम इसकी हिस्ट्री को जानने वाले हैं, प्लस इस वीडियो के एंड में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हिस्ट्री से हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो वो भी आपको लास्ट में पता चलेगा। तो पहले चलिए इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, आज से कई साल पहले जो गोवा का इलाका है, उस समय वहाँ पर ये जो बंद बिस्कुट है, ये जो पाव है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था। और उस समय वहाँ पे जो भी लोग इस चीज़ को बनाते थे, इस बंद बिस्कुट को बनाते थे, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खुद मशहूर थे, क्योंकि उस समय ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल माना जाता था, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता था, लोग कहीं ना कहीं इसके फ़ैन थे। सुबह लोग उठते थे और उनकी गली से ये जो बंद बेचने वाला है वो निकलता था, और उसके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा होता था, बेसिकली एक बांस की लकड़ी का टुकड़ा होता था, और वो उसे बजाते हुए निकलता था। लोग इसकी आवाज़ सुन के बाहर निकलते थे बंद खाने के लिए, और जो बच्चे हैं वो भी इसकी आवाज़ से कहीं ना कहीं उठ जाते थे। और यहाँ पर होता ये था कि बच्चे बाहर आके उसकी टोकरी में झांकते थे, जैसा कि बच्चों की हैबिट होती है। और यहाँ पर ये दो बार दिन में होता था, यानी सुबह एक बार बंद बेचने वाला आया, और भैया आया है तो वापस भी तो जाएगा, तो एक बार आया और दूसरी बार वापस चला गया। और जो बच्चे हैं उनको भी ये डिश काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, ये बिस्कुट काफ़ी ज़्यादा पसंद था। बेसिकली बच्चों को जो ब्रेड बैंगल्स हैं वो इसके काफ़ी ज़्यादा पसंद आते थे। जो बंद है वो उस समय इतना ज़्यादा फेमस था कि अगर किसी की शादी है और उसमें ये बंद ना हो, तो लोग सोचते थे कि अरे इनकी शादी और इसमें बंद नहीं है, मतलब लोग हैरान हो जाते थे। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आज किसी का बर्थडे हो और उसमें केक ना हो, तो लोग क्या कहेंगे, अरे बर्थडे है पर इसमें केक ही नहीं है, ऐसा लोग इस समय सोचेंगे। तो इसी तरीके से तब भी होता था कि अगर किसी की शादी हो और उसमें ये बंद ना हो, तो एकदम बेकार रहता था। और यहाँ पे एक और प्रथा चली आ रही थी कि अगर किसी की बेटी की शादी है उस समय, तो जो उसकी माँ है वो उसे अपने हाथों से सैंडविच बना के खिलाती थी, कहीं ना कहीं ये एक रिवाज चला आ रहा था। और यहाँ पर एक और चीज़ चली आ रही थी कि जो लोग इस बंद को बनाते थे, वो जब डेली बेचने आते थे, तो वो डेली पैसे नहीं लेते थे, मतलब कोई भी खाने आया तो 10 रुपये दिए, एक बंद लिया, खाया और चला गया, ऐसा नहीं होता था। ये लोग महीने के लास्ट में अपने पैसे लेते थे, जो भी लोग बंद सुबह खाते थे वो डेली पैसे नहीं देते थे, मतलब ऐसा नहीं है कि 10 रुपये दिए, एक बंद लिया, खाए और चले गए, ऐसा नहीं होता था। बल्कि जो बंद बेचने वाला है वो महीने के आखिरी में आके पैसे लेता था, मतलब कहीं ना कहीं एक रूटीन बना हुआ था कि लोगों को डेली सुबह बंद खाना ही है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आज दूध वाला आता है, तो आप ज़्यादातर लोग उसे डेली पैसे नहीं देते हैं ना, उसको महीने के लास्ट में पैसे देते हैं। तो इसी तरीके से होता था कि वहाँ पे बंद वाला लास्ट में पैसे लेता था। उस समय ये जो बंद है, ये कहीं ना कहीं हर गांव में बनाया जाता था, यानी हर गांव में इसकी भट्टी रहती थी, हर गांव हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं इसकी भट्टी मिल जाती थी, ये इतना ज़्यादा फेमस था। उस समय जो लोग भी इस बंद को बनाते थे, इस पाव को बनाते थे, उनकी ड्रेस को कहीं ना कहीं कबाई कहा जाता था। और अगर आज उस तरीके का ड्रेस यहाँ पर कोई पहन ले, तो कहीं ना कहीं लोग उसका मजाक उड़ाने से नहीं बचेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या निकल के आता है, यहाँ पे यही निकल के आता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो हमेशा के लिए कांस्टेंट नहीं रहता है। अगर आपने वक्त के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाएगा। जैसे कि स्टोरी में बताएगा कि पहले बंद काफ़ी ज़्यादा फेमस था, लेकिन इस समय अगर आप गोवा चले जाएँ, तो वहाँ पर वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, तो कहीं ना कहीं वक्त के हिसाब से बदल जाता है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोरोना आया, उससे पहले जो ऑफलाइन पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, लेकिन कोरोना के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट अब ऑनलाइन पढ़ते, उन्हें ऑनलाइन ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पे दूसरा ये निकल के आता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये तो परंपरा चली आ रही है, ये तो ट्रेडिशन चला आ रहा है, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन वो भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बहुत लंबे समय के लिए नहीं चल सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने देखा इस स्टोरी में कि बंद काफ़ी ज़्यादा फेमस था, लेकिन इस समय गोवा में अगर आप जाएँ, तो इतना ज़्यादा बंद फेमस नहीं है।
तो यहाँ पे हमारा तीसरा ये निकल के आता है कि जो लोग भी इस बंद को बनाते थे कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग आज भी वहाँ पे होंगे। हो सकता है वो बंद ही बना रहे हो या फिर हो सकता है वो कोई और काम कर रहे हो। तो हमारा इसमें यही पॉइंट निकल के आता है कि अगर उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लिया होता तो हो सकता कि वो आज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होते, उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता। आपको ये बंद बिस्कुट की हिस्ट्री, ये पाव की हिस्ट्री कैसी लगी इसके लिए नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।